बरखा लेने वाली है बहुत बड़ा फैसला जिसके बाद लग जाएगा सबको झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बरखा जो है वो इतना बड़ा फैसला अकेले ले लेगी, जिससे अनुपमा जो है उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं भाई ऐसा सीरियल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों आप देखेंगे किस तरह जो है पाखी रो रो कर पागल हो रखी है, क्योंकि अधिक ने उसे छोड़ दिया है। आपको पता है किस तरह से अधिक और पाखी के बीच में लड़ाई हुई है। पाखी की नादानी और बदतमीजी की वजह से आज उसका ये हाल है। पाखी का तो रो रो कर बुरा हाल हो ही रहा है, साथ में अनुपमा का भी हो रहा है, क्योंकि कुछ भी कह लो भाई अनुपमा तो एक माँ है और उसको बच्चे के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहीं आप देखेंगे किस तरह अधिक जो है पाखी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और सबके सब गाड़ी में बैठने लगते हैं। आप देखेंगे किस तरह अनुपमा जो है वो भी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उससे पाखी की वो हालत देखी नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह वनराज जो है सर पे हाथ रख के बैठा होता है। केंजल भी वनराज से पूछती है कि पापा क्या हुआ, क्योंकि केंजल को पता नहीं है कि अब तक क्या हुआ है। तभी वनराज जो है वहाँ पर चुप बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह अनुपमा और अनुज जो है साथ में गाड़ी में बैठकर बात कर रहे होंगे। तभी अनुज जो है अनुपमा से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है कि तुम्हारी बेटी का इस तरह से घर टूट रहा है, लेकिन अनुपमा तुम्हें पता है पाखी कितनी बदतमीज है, उसको थोड़ी सी अकल आने दो, इन लोगों को अपने रिश्ते को टाइम देने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर अनुपमा जो है अनुज का पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे बाजू है वो भी पाखी पर भड़क रही होती है। वहीं आप ये भी देखेंगे किस तरह वनराज जो है काव्या से बात करता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही आप ये देखेंगे किस तरह काव्या जो है वनराज से कहेगी कि मुझे पता है तुम्हें अपनी बेटी के लिए तकलीफ हो रही है। वनराज भी रोते रोते कहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, जब मैं पाखी को घर से बाहर निकालता हूं तब मैं गलत होता हूं, जब मैं पाखी को घर में रखता हूं तब मैं गलत होता हूं, तो मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन काव्या जो है वनराज को बहुत सपोर्ट करते हुए बहुत सारी बातें कहती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनुपमा को अब भी यही लग रहा है कि किसी तरह उसकी बेटी का घर जो है वो बस जाए फिर से, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस बार घर टूटा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं वो अनुज से कहती हुई नजर आएगी कि आपको नहीं लगता कि इन लोगों को फिर से एक बार रिश्ते को मौका देना चाहिए। अनुज अनुपमा की पूरी बातें सुन रहा होता है और समझने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बरखा आती है और बरखा कहती है कि देखो हमें पता है पाखी कितनी बदतमीज है, पाखी के अंदर दिमाग नहीं है, पाखी कुछ संभाल नहीं सकती, पाखी जो है मेंटली भी अनस्टेबल है और हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, और मैंने ये फैसला लिया है कि अब अधिक और पाखी का डिवोर्स हो जाना चाहिए। इस बात पर अनुपमा को सबसे बड़ा झटका लग जाता है। अब अधिक भी वहाँ शांत खड़ा है, तो क्या सच में अब इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा? वेल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।